आजकल बहुत सारे नवयुवक बुरी संगत और बुरे विचारों में पड़कर वीर नष्ट करने लगते हैं। अंत में उन्हें स्वपन दोष, शीघ्र पतन, धात जैसे रोग घेर लेते हैं। बहुत सी दवा दारू कराने पर भी उन्हें विशेष लाभ नहीं होता है। कितने लोग तो ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य पालन करने की इच्छा रखते हुए भी अपने को काबू में नहीं रख सकते और भ्रष्ट हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ, जिनका यदि ठीक तौर से पालन किया जाए तो वीर रक्षा बड़ी आसानी से हो सकती है। जिन्हें स्वप्न दोष, धातुपात होने का रोग लग गया है, वे भी अच्छे हो सकते हैं। नियम नंबर एक, भोजन सात्विक करना चाहिए। मिर्च मसाले, खटाई, अधिक मीठा, गर्म चीजें, मांस मच्छी आदि त्याग देना चाहिए। नियत समय पर भूख से कुछ कम मात्रा में ताजा और सादा सात्विक भोजन खूब चबा कर खाना चाहिए। नंबर दो, रात को जल्दी सोना और सवेरे जल्दी उठना चाहिए। सूर्य उदय से कम एक घंटा पहले उठना चाहिए। नंबर तीन, पेशाब करके हाथ और पैर धोकर कुल्ला करके ईश्वर का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। नंबर चार, जहाँ तक हो सके सदाचारी, ईश्वर भक्त, शुभ कार्य करने वाले, उत्तम विचार वाले पुरुषों का सत्संग करना चाहिए। बुरे लोगों की संगति में बिल्कुल न रहें। नंबर पाँच, सुबह स्वच्छ वायु में नित्य पैदल घूमने जाना चाहिए। नंबर छः, मन को हमेशा किसी काम में लगाए रखना चाहिए। नंबर सात, उत्तम कोट की शिक्षा देने वाली पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। काम उत्तेजक या अश्लील पुस्तकों, चित्रों को पास भी नहीं आने देना चाहिए। नंबर आठ, मल या मूत्र त्यागने के उपरांत इंद्रियों को शीतल जल से धोना चाहिए। स्नान भी जहाँ तक हो सके तो ठंडे पानी से ही करना चाहिए। नंबर नौ, कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम अवश्य करना चाहिए। हो सके तो नियमित रूप से व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि का अभ्यास करना चाहिए। नंबर दस, नियम पूर्वक रोज कुछ समय ईश्वर का भजन अवश्य करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है, अगर इन बातों पर ध्यान दें तो वीर रक्षा बड़ी आसानी से हो सकती है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख लेना।